हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, देखिए कल जो हुआ वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। पहले एनटीए ने पूरी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डेट्स वगैरह सब कुछ रिलीज़ कर दी थी वेबसाइट पे और शाम को वापस उसे ले लिया गया। एजुकेशन मिनिस्ट्री का भी स्टेटमेंट आया कि अभी डेट्स डिसाइड नहीं हुई है। तो मुझे भी कल लग रहा था कि एक्चुअली ये डेट अनाउंसमेंट मिनिस्टर साहब ने लास्ट टाइम खुद की थी, तो इस बार भी वही करना चाह रहे होंगे और देखिए वही हुआ है। आज सुबह मिनिस्टर साहब ने ट्वीट किया है, डॉक्टर आरपी निशंक ने, थैंक यू ऑल फॉर शेयरिंग योर कंस्ट्रक्टिव सजेशंस रिगार्डिंग जेई मेन एग्जाम्स। वी हैव गॉट योर सजेशंस एग्जामिन। आई विल बी अनाउंसिंग द शेड्यूल, नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम विल बी हेल्ड एट 6 PM टूडे, स्टे ट्यून्ड। तो देखिए ये है आज की ब्रेकिंग न्यूज। तो आज शाम 6 बजे मिनिस्टर साहब खुद आपको समझाएंगे कब है एग्जाम, कितने अटेम्प्ट हैं, और उसके बाद मुझे लगता है शाम को याद सारी डिटेल्स वापस से वेबसाइट पे आ जाएगी और डेट्स मेरे हिसाब से वही रहनी चाहिए। ज़्यादा कुछ एक आध ऊपर नीचे हो सकता है बट ऑलमोस्ट वही रहेगा जो अपन ने बोला था। तो जैसे ही शाम को मिनिस्टर साहब अनाउंस करेंगे और जो डिटेल्स आएंगी, फॉर्म कैसे भरा जाए, आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने जैसा कहा, दिस चैनल विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू फॉर द कम्प्लीट एडमिशन सीजन कमिंग अप। आइए जाते जाते आपको पूरा वीडियो मैसेज जो मिनिस्टर साहब ने लगभग 1 मिनट 20 सेकंड का यहाँ पे अपलोड किया है वो भी आपको सुना देते हैं। छात्र और छात्राओं, जैसे कि पीछे के दिनों में आपसे मेरा लगातार संवाद हो रहा था और आपके बहुत सारे सुझाव जेई मेन परीक्षाओं के संदर्भ में मैंने लिए थे, आपके बहुत सारे सुझाव मिले, आपसे विचार विमर्श भी हुआ और उन विचार विमर्श और आपके सुझावों के बाद एनटीए को उन सारे सुझावों को सकारात्मक परीक्षण के लिए हमने दिया था और एनटीए ने उसमें गहन विचार विमर्श किया है और आज शाम 6 बजे तक उसका क्या रिजल्ट है, जो आपके मन में था कि एक वर्ष में कितनी बार जेई मेन की परीक्षा होनी चाहिए, कब कब होनी चाहिए, तो ये जो टोटली आपके सुझाव थे बहुत ही सकारात्मक सुझाव थे, उनको एनटीए को सकारात्मक ही विश्लेषण करने के लिए कहा गया था और उसने निश्चित रूप में आपके पक्ष में ही सकारात्मक कुछ विश्लेषण क्या होगा, जिसके बारे में आज शाम को 6 बजे आप जब मुझसे जुड़ेंगे तो मैं उस समय आपको बताऊंगा कि क्या निर्णय एनटीए ने लिया है और आपके भविष्य के लिए क्या और अच्छा हो सकता है।